प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम लाइफ यानी कि स्वागत जिंदगी दे आज दे इस लेक्चर विच मैं जोगिंदर कौर तुहाडा स्वागत करती हाँ। अज आपां करन जा रहे हाँ जमात छेवीं दा पाठ 3 सेहतमंद परिवारिक संबंध। बच्चिओ, परिवार मनुख नूं मिलिया होया एक अनमोल तोहफा है। असी जो भी हाँ ते जो भी कुछ होवांगे उस दे पिछे साडा परिवार है। मनुख नूं एक पशु तो समाजिक प्राणी बनाउण तक का जिहड़ा सफर है वह परिवार दे सिर ते पूरा हुंदा है। साडा परिवार ही है जो सानू समाज दे नियमां नूं सिखाउंदा है, जो सानू वह गुण दिंदा है जिहदे नाल असीं एक समाजिक प्राणी बनते हाँ, समाज विच रहण दे योग बनते हाँ। मनुख दी परिवार दे नाल एक ऐसी सांझ हुंदी है। वैसे तो सारे ही बहुत सारे जिहड़े साडी धरती दे उत्ते जीव जंतु ने सारिआं दी अपनी परिवार नाल सांझ हुंदी है। उवें ही साडी एक सांझ हुंदी है। मनुख किते भी चला जावे, तुसी किते भी चले जाओ, किन्ने भी दिन रहो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुहाडा मन अपने परिवार विच मुड़न लई लोचदा है ते तुसी मुड़ के अपने घर जांदे हो, क्योंकि उत्थे ही तुहानू शांति मिलदी है, उत्थे तुहाडा मन, तुहाडी आत्मा दा वास तुहाडे परिवार दे विच हुंदा। बच्चिओ, अक्सर वेखण विच आउंदा है कि अज दे समें विच जिहड़ियां मनुखी समस्यावां आ रहियां ने, समाजिक समस्यावां आ रहियां ने, उहदे पिछे किते ना किते कारण साडे परिवारिक संबंधां दा सुखावां ना होणा है। साडे परिवार दे संबंध टुटदे जांदे है, साडे विच सहनशीलता, प्रेम, प्यार किते घटदा जांदा है। जिहड़ा जिहड़ी चीज़ साडे समाज विच प्रतख है, जिहड़ी इक घाट साडे समाज विच प्रतख है, उहदा कारण साडे परिवार दे विच हुंदा है। उह गुण असीं अपने परिवार च रहिंदे नहीं सिखिया। अज दे असीं इस लैक्चर विच अपने परिवार दे नेड़े हो के, अपने परिवार नूं नेड़े हो के जानण दी कोशिश करांगे, तां कि साडी उहनां दे नाल सांझ, साडी उहनां दे नाल जिहड़ी भावनात्मक सांझ है उह गूढ़ी हो जावे, जिस दे नाल साडे रिश्ते सुखावें होण ते असीं इक वधिया इंसान, एक वधिया नागरिक ते एक वधिया व्यक्ति हो के नितरीए। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया की सब तो खूबसूरत चीज़ है अपने मापियां नूं मुस्कुराउंदे वेखना अते ये जानना कि उस मुस्कुराहट के पिछे का कारण तुसी हो। जी हाँ बच्चों, ये सब तो सुखावां एहसास है। जेकर तुहाडे मापे तुहाडे ते खुश हन, तुहाडे ते माण करते हैं, तो उस तो भी सुखावां एहसास है जेकर तुसी अपने परिवार च खुश हो अते अपने परिवार ते माण करते हो। अपने परिवार ते माण करन वल तुहाडा पहला कदम है अपने परिवार नूं चंगी तरह जानना, उन्हां बारे, परिवार बारे सब कुछ जानना। आओ वेखिए तुसी अपने परिवार बारे किन्ना क जानते हो। परिवार बच्चिओ, पहले समयां विच वड्डे परिवार हुंदे सन, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, साडी भूआ, सारे लोग इकट्ठे रहिंदे सन। बहुत सारे बच्चे हुंदे सन घर विच, सब दे बच्चे उत्थे ही हुंदे सन, वड्डे परिवार हुंदे सन। अज दे समें विच छोटे परिवार हुंदे हन, साडे माता पिता ते असी बच्चे, ज़्यादातर इन्ने की परिवार न्यूक्लीयर फैमिलीज़ हो गई ने, पर बहुत घरां विच हजे भी दादा दादी नाल हुंदे हन। कुछ घरां विच जॉइंट फैमिलीज़ अजे भी हन। ते बच्चिओ, चाहे तुसी किसी भी तरह के परिवार च रहिंदे हो, चाहे वह न्यूक्लीयर फैमिली है, चाहे जॉइंट फैमिली है, हर परिवार का अपना एक फायदा है, अपने कुछ गुण हैं ते अपनियां कमियां भी हैं। बच्चों, अक्सर देखने विच आउंदा है कि बच्चे जिहड़े ने शिकायत करते ने अपने छोटे भैन भरावां तो या अपने वड्डे भैन भरावां तो या अपने माता पिता तो ये शिकायत करते ने कि जी ये सानू तंग करता है या वो सानू तंग करता है। तुसी अपने परिवार विच किस स्थान ते हो? अपने भैन भरावां विच वड्डे हो, छोटे हो, विचकार हो? असी अपने भैन भरावां नाल झगड़ा बहुत करते हैं, पर की असी जानण की कोशिश की कदे कि परिवार विच, भैन भरावां विच उस स्थान ते होण दे की फायदे हैं? कदे तुसी अपने मित्रां नाल
जो कि उस जे तुसी वड्डे हो तो किसी ऐसे बच्चे नाल गल करके वेखो जो परिवार विच छोटा है, भैन भरावां विच छोटा है या जो विचकार है। हर पोजिशन दे, हर वड्डे होण दे या छोटे होण दे या विचारले होण दे अपने गुण हैं, अपने फायदे हैं। जिहड़ा सब तो छोटा बच्चा हुंदा है परिवार विच, उन्हूं माता पिता का लाड प्यार ज़्यादा मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। उत्थे ही जिहड़ा वड्डा बच्चा हुंदा है सब तो वह जिम्मेवारी की भावना उहदे विच पहला आउंदी है, वह ज़्यादा जिम्मेवार हुंदा है। इसे प्रकार विचकारला जिहड़ा बच्चा है बहुत वार बहुत चीज़ों तो वह बचिया रह जाता है। तुसी अपने घर विच अपने भैन भरावां विच अपने स्थान नूं विचारदे होए ये जरूर सोचो, ये जरूर देखण दी कोशिश करो कि तुहानूं उहदे की फायदे हुंदे हन ते तुहानूं नुकसान की हुंदे हन। कुछ नुकसान भी हुंदे हन, की फायदा है तुहानूं ते की नुकसान है। इत्थे ही एक चीज़ होर वेखण वाली गल हुंदी है बच्चे, कि तुसी वेखना कि जिहड़े भी बच्चे अपने घर विच ना छोटे ने, भैन भरावां तो छोटे ने, ज़्यादातर उन्होंने एको तरह का सुभाव हुंदा है। जिहड़े वड्डे ने ज़्यादातर उन्हां च जिम्मेवारी की भावना पाई जाएगी, वो थोड़े जे ध्यान नाल काम करन वाले होणगे। जिहड़े छोटे हुंदे ने वो थोड़े जे थोड़े लड़ाके हुंदे हन, थोड़ी तेज़ी हुंदी है उन्हां च, काली हुंदी है, माता पिता दे लाडले हुंदे हन, इदां दा बहुत कुछ। ते जेकर तुसी ये चीज़ समझोगे कि किसी का भी सुभा तुहाडे छोटे भैन भरा दा या तुहाडे वड्डे भैन भरा दा, वो केयरिंग होणगे, तुहाडा ध्यान रखणगे। जिहड़े विचकारले हन उन्हां नूं छोटे का भी देखना पैना, उस दे अकॉर्डिंगली वड्डे का वर्ताव करना, वड्डे भैन भरा नूं वेख के छोटे का वर्ताव करना। उन्हां दा वर्ताव उन्हां दी पोजिशन दे करके उन्हां दे विच अड्ड तरह के गुण ने तुहाडे नालों, तो अड्ड तरह दियां उन्हां विच कुछ खूबियां ने तो अड्ड तरह दियां कमियां भी होणगियां। जेकर असी इस चीज़ नूं चंगी तरह समझांगे, समझण दी कोशिश करांगे, तां असी उन्हां दे नाल अपने संबंधां नूं सुधार सकांगे, उन्हां नूं बेहतर समझ सकांगे। बच्चियो, परिवार दे विच जिम्मेवारियां दा कोई पक्का या निश्चित बंटवारा नहीं हुंदा, क्योंकि ये परिवार है, सांझ है साडी, असी सब काम सारा परिवार ने कट्ठे रल मिल के ही करने हुंदे हन। ये कोई देश तां नहीं जिहदा संविधान बनिया होवे, लेकिन साडी फिर भी तुसी थोड़ा जिहा सोचो, अपने परिवार विच झात मारो तां जिम्मेवारियां कुछ कु वंडियां होईयां हुंदियां हन। सानू पता है कि सब तो वध जिम्मेवारी साडे माता पिता कोल हुंदी है, पर की तुहाडे घर विच बच्चियां दियां भी कुछ जिम्मेवारियां हन? वड्डे की काम करते हैं परिवार को चलाना, उदा पालन पोषण करना, ये तुहाडे माता पिता की जिम्मेवारी है। सारे घर नूं तुहानूं हर तुहाडी लोड़ की पूर्ति वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात, चाहे घर विच ने घर विच भी काम करते हैं, बाहर हैं बाहर भी काम करते हैं, उन्हां दे उपर एक वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है अपने परिवार का भरण पोषण करना। पर की तुहाडे घर विच छोटियां दियां भी कोई जिम्मेवारियां हन? सोच के वेखियो। जेकर परिवार दे विच एदां हो जावे कि कुछ कुछ जिम्मेवारियां छोटियां नूं दित्तियां जान, तां इस दे नाल तुहाडे माता पिता दी बहुत ही, एक तां उहनां दी मदद होएगी परिवार दे विच निक्के निक्के काम करन लई, तुसीं अपने उपर जिम्मेवारी लै सकते हो। बहुत बार वेखण विच आउंदा बच्चियां दी की आदत हुंदी है, उठे है उठ के इधरों दी उधर बैठ गए हैं, जिथे जिवें जिहड़ी चीज़ छड्डी है छड्ड दित्ती, उवें ही असी बिस्तर तो उठे अपना बिस्तर भी साफ नहीं करते। बहुत बच्चियां विच इह चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने। बड़े माँ बाप जिहड़े ने उह आ के इस चीज़ की कंप्लेंट करदे ने कि इह तां गिलास भी उत्थों चुक के उधर नहीं रखदा, ठीक है,
या साढ़े कहन ते भी कम नहीं करता। बच्चों जिम्मेवारी तुहाडी भी उन्नी ही है परिवार विच जिन्नी वड्डियां दी। ते एक परिवार तुसी खुद ये चीज़ सोचते हुए कि तुसी किस तरीके अपने माता पिता की मदद कर सकते हो, एक जिम्मेवारियां दी लिस्ट बनाओ अपने घर विच अपने भैन भरावां नाल मिलके। तुसी की करोगे, जिन्ने भी कम तुसी कर सकते हो उन्हों रोज़ाना जिम्मे, चाहे वह सफाई है, चाहे वह अपने किताबों संभालना, अपनियां अलमारियां साफ करना, अपने कमरे की सफाई करना, या उन्होंने नाल मदद करना माता पिता नाल। ते जेकर तुहानू इदां लगे कि असी क्यों ये जिम्मेवारियां निभाइए, तो एक बारी तुसी एक जिम्मेवारियां दी लिस्ट अपने माता पिता की भी बना के वेखना, उन्हां दियां की जिम्मेवारियां हन, उन्हां दियां किन्नियां कु जिम्मेवारियां हन, ठीक है। तो अपनी जिम्मेवारियां पूरियां करन लई उह किन्नी कु मेहनत कर रहे हन, तुहाडे विच अपने आप ही जिम्मेवारी की भावना आएगी। तो पढ़ाई इदां नहीं है बच्चे कि इत्थे तुसी, हो सकदा है किसी के मन में यह आवे कि असी तो जी पढ़ते हाँ, साढ़े कोल समा तुहाडे कोल बहुत है, जेकर तुसी उसनू सही तरीके नाल मैनेज करके चलोगे, जे तुसी अपने समय का सही प्रबंध करते हुए चलोगे, तो ना सिर्फ तुसी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियां नू निभाओगे, बल्कि अपने दूजियां अपने स्कूल के प्रति, जिहड़े एक स्कूल के विच तुहाडी पढ़ाई करना ना बेटे, ये भी परिवार के प्रति तुहाडी जिम्मेवारी ही हुंदी है। तुहाडे माता पिता तुहानू बहुत मेहनत कर रहे ने, वो इन्नी मेहनत तो बाद तुहाडे तो एक्सपैक्टेशन की है उन्हां दी, तुसी स्कूल जाओ, स्कूल जाके चंगी तरह पढ़ाई करो, चंगे नंबर लो, जिंदगी विच कुछ बनो, यही उन्हां दी सारी मेहनत का फल है। तो इस दे बदले उन्हां दे काम नूं सुखावां करन लई तुसी किन्नियां कु जिम्मेवारियां चुक सकते हो, ये एक लिस्ट अपने पद्धर ते जरूर बनाउणा अते उसनू घर विच लागू जरूर करना अपने भैन भरावां नाल मिलके। आओ हुण गल करिए अपने माता पिता दे हुनरां दी। तुहाडे माता पिता घर विच बहुत कुशल हुंदे हन बच्चे, बड़े गुण, तुसी थोड़ा जिहा ध्यान नाल एक लिस्ट बना के वेखो उन्हां नूं की आउंदा है, तुहाडे मदर नूं की आउंदा, तुहाडे फादर नूं की आउंदा, एक लिस्ट बनायो। तो ये सोचियो उस तो बाद कि तुसी वो सिख्या उन्हां तों। अक्सर वेखन चाहुंदा है कि जिहड़े बच्चियां दियां मावां सिलाई कढ़ाई खाना कुकिंग विच या होर किसे काम विच, कोई भी होर काम जिस काम विच वो माहर हुंदियां ने, बच्चे उन्हां तों बिल्कुल नहीं सीखते। तो उन्हां दे बच्चे यही चीज़ां सीखण दे लई जिहड़े काम उन्हां नूं आंदे ने, कोई भी होर काम हो सकता है, तुहाडे मदर किसी भी फील्ड विच माहर हो सकते ने, जिहड़ा काम वो करते ने जिस फील्ड विच जो काम भी करते ने, ठीक है, तो उस तो इलावा भी उन्हां दे विच बहुत गुण हो सकते ने। हो सकता गाना आंदा होवे उन्हां नूं, हो सकता नचना आंदा होवे उन्हां नूं, हो सकता कुछ भी होर कंप्यूटर विच किसी भी तरीके नाल कोई भी महारत हो सकती है उन्हां दी, कोई भी गुण हो सकता उन्हां विच, हर व्यक्ति च गुण हुंदा है। पर बड़ी ही मंदभागी गल है कि बच्चे वो हुनर अपने मापिया तो बहुत बार सीखने की बजाय बाहरों सीखते हैं, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानू अपने माता पिता तो सारा कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे घर विच ये जरूर कोशिश करनी है, कोशिश करी दी है कि जो भी तुहाडे माता या पिता नू आंदा है, कोशिश करो वो सब तुसी उन्हां तो लै लो, वो सब तुसी उन्हां तो सीख लो। कदे अपने पेरेंट्स नू ड्राइंग करा के वेखना, उन्हां कोल समां नहीं हुंदा, लेकिन उन्हां नू कहना कि ड्राइंग करके दिखाओ, किन्नी कु कुशलता है उन्हां विच। होर बहुत सारे काम बेटे, ये परसन टू परसन तुहाडे पेरेंट्स ने, तुसी चंगी तरह जानते हो, तो बहुत सारे गुण तुहानू लभणगे उन्हां दे विच, तो बहुत सारे गुण तुसी उन्हां तो लै सकते हो जे तुसी उन्हां नू उन्हां दे हुनरां नू रिस्पैक्ट दो, इज्जत दो। तो जेकर तुसी ये गुण उन्हां तो लओगे, तो एक चीज़ याद रखना, एक जब तुसी बाहर सीखण जाओगे कोई भी चीज़, कोई भी काम जब तुसी बाहरों सीखते हो उन्नी चंगी तरह नाल नहीं आता जिन्ना तुहाडे पेरेंट्स, एक तो उन्हां कोल एक्सपीरियंस, एक उन्हां दे कोल हुनर,
ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਤਾਓ, ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਫੋਰਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਫੋਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ, ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਟਾਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਪਰਨਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਫੋਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਭਰਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਦਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਾਦਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਡੈਸ਼ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰੋ, ਮਾਤਾ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਹੋ, ਦਾਦਾ ਹੋ, ਦਾਦੀ ਹੋ, ਚਾਚਾ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰੋ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ
जिस बारे भी तुसी पढ़ रहे हो, वो दुनिया के सब तो उत्तम व्यक्तियों विचों एक हैं। बच्चों, साडे छोटे छोटे दिन साडे भारत विच मनाए जाते हैं। वैसे तो तुसी किसी भी वेले उन्होंने कोई भी छोटी जी चीज़, कोई कार्ड बना के दे के उन्होंने खुश कर, उन्होंने निक्का जिहा काम करो, कोई उन्होंने हेल्प करो, बहुत खुशी होएगी उन्होंने। पर जिमें उन्होंने बर्थडे आता है, कोई एनिवर्सरी आती है, उस समय उन्होंने कुछ स्पैशल करो। तुसी होर कुछ नहीं कर सक, कार्ड बना सकते हो अपने हाथ नाल। जे कार्ड नहीं बना सकते, तुसी उन्हां लई कुछ कुछ कोई ना कोई डिश बना सकते हो, खाण लई बनाओ उन्हां लई, कुछ स्पैशल करो उन्हां लई। ते मान लो जे तुहानूं पता ही नहीं उन्हां दा बर्थडे कदों है या एनिवर्सरी कदों है, या ऐसा भी हुंदा है कि ना पता होवे, ते साडे भारत विच मां दिवस, पिता दिवस ते दादा दादी दिवस ये मनाए जांदे हन। माता दिवस, मां दिवस मई महीने दे हर दूसरे एतवार, पिता दिवस जून महीने दे तीजे एतवार, ते दादा दादी दिवस सितंबर महीने दे पहले एतवार नू मनाया जांदा है। तुसी उस दिन उना नू जरूर उना नू विश करो, उना लई कुछ स्पैशल करो। ते ये जरूरी नहीं है बेटे कि तुसी किसे दिन नाल जुड़ना है, तुसी अपनी मर्जी नाल कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हो जो तुसी डेडिकेट करना है अपने उस रिश्ते नू, अपने माता लई, पिता लई, दादा लई, दादी लई। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां, ये तुहाडे वल्लों चुके गए निक्के निक्के कदम उहनां दी दृष्टि, उहनां नू खुशी तां देणगे, उहनां दी नज़र विच तुहाडी एक अलग अहमियत, एक अलग रिस्पैक्ट, एक समझदार बच्चे दे तौर ते बनेगी। बच्चियो, अज दा साडा लैक्चर केंद्रित सी साडे परिवारिक संबंधां नू दे विच एक समझ पैदा करन ते, एक सोझी असी समझ सकीए अपने परिवार दे सारे व्यक्तियां नू। भाग दो विच, सेहतमंद परिवारिक संबंध दे भाग दो विच असी गल करांगे उहनां परिवर्तनां दी जो सानू अपने विच लियाउणे चाहीदे हन इन्हां रिश्तियां नू सुखावां बनाउण लई। धन्नवाद।